हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ रेस 3 के बारे में। और रेस 3 के बारे में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि एक हफ्ते में इसका कलेक्शन आखिरकार कितना हुआ है। दोनों कलेक्शन आपको बताऊँगा, चाहे वो ट्रेड फिगर हो चाहे वो प्रोड्यूसर्स फिगर। प्रोड्यूसर्स फिगर की बात करें तो पहले दिन जो कलेक्शन था वो करीबन करीबन आया था 29.17 करोड़। दूसरे दिन जो कलेक्शन था वो आया था लगभग लगभग 38.14 करोड़। तीसरे दिन आया था, एक सेकेंड ट्रेन जाने दो, बहुत तेज़ी से ट्रेन जाती मुंबई में, बहुत तेज़ी से ट्रेन जाती, फास्ट ट्रेन थी। दूसरे दिन का जैसे मैंने बताया 38.14 करोड़ था, तीसरे दिन का 39.16 करोड़, चौथे दिन का कलेक्शन आया था 14.24 करोड़, पाँचवें दिन का आया था करीबन करीबन 10.50 करोड़, और छठे दिन का जो कलेक्शन आया था वो करीबन करीबन 9.25 करोड़ आया था, और सातवें दिन का कलेक्शन, एक सेकेंड वापस से, सातवें दिन का जो कलेक्शन आया था वो करीबन करीबन 7 करोड़ के आसपास आया सातवें दिन का, और टोटल कलेक्शन जो हो चुका है 147.45 करोड़, जी हाँ 147.45 करोड़। और वहीं ट्रेड फिगर की बात करें तो ट्रेड फिगर कलेक्शंस लगभग लगभग 137.69 करोड़ के आसपास आ रहा है, यानी कि लगभग लगभग 9.5 करोड़ का कलेक्शंस का डिफरेंस नज़र आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, लेकिन हाँ डिफरेंस ज़रूर है। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल निशान ये उठता है कि बहुत बड़े बड़े जो ट्रेड एक्सपर्ट है, जो क्रिटिक्स है, वो अपना कलेक्शंस नहीं बता रहे इस फिल्म को लेकर, यानी कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। कुछ भी अपडेट्स आएंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल कितने खुशी इसका जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल कितना ही।